हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार दोबारा स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल टाइगर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमेशा की तरह। इस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टाग्राम। आज मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग अननोन पर्सन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हो गलती से, और काफ़ी रिक्वेस्ट आप जानो उसके भेजते हो, और आपके फ्रेंड्स होते हैं आप उनको भी रिक्वेस्ट भेजते हो। दोस्तों, आप जो रिक्वेस्ट भेजते हो वो आप कैसे पता लगा सकते हो कि उसने अभी तक एक्सेप्ट करी है या नहीं करी, और किस किस को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है इंस्टाग्राम पर वो भी आप कैसे देख सकते हो। आज मैं आपको यही बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पता है इंस्टाग्राम का एक न्यू अपडेट आ गया है, उसमें अब हम जिसको हमने रिक्वेस्ट भेजी है वो हम नहीं देख सकते। तो आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप वो देख सकते हो। तो सिंपल सा है, मैं यहाँ पर जाऊँगा इंस्टाग्राम के अंदर। मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जाना है अपनी प्रोफाइल पर। तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मेरा नेट जो है स्लो चल रहा है। मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर जाता हूँ। मैंने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा थ्री डॉट पे। ये मैंने यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर दिया है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है फॉलो एंड इन्वाइट फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन, क्रिएटर प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एड्स, अकाउंट्स, हेल्प अबाउट देम। तो आपको यहाँ पर सिंपल से आपको यहाँ पर जाना है सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे जाओगे, आपको पता है पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह का ऑप्शन आता था, तो यहाँ पे वो अब नहीं आ रहा है। तो आपको वो ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा वो आपको मैं अभी बताता हूँ। आपको पहले क्या करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम लॉगिन। आपको अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पर इंस्टाग्राम लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ से और क्रोम में ही करना है आपको इंस्टाग्राम लॉगिन, और कहीं नहीं करना। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम में क्लिक करता हूँ। इंस्टाग्राम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा है लॉग इन इंस्टाग्राम, तो आप इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर लिखा रहा है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम लाइट, न्यूज़ पॉइंट और क्रोम। तो आपको क्रोम पर क्लिक करना है। आपको ये क्रोम में ही खोलना है, ध्यान रखना, और कहीं खोलोगे तो ये काम नहीं करेगा फ्यूचर। तो आप क्रोम में इसको ओपन कर लेना। तो मेरा अकाउंट इसके अंदर पहले से ओपन होगा, तो मैं यहाँ से इसको, ये मेरा अकाउंट है ओपन हो गया। अब दोस्तों ये देखो, सिंपल साहब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है अपनी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाओगे, प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका ऐसा पेज ओपन हो जाता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे ये तो क्रोम है, क्रोम में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख जाता है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको ऊपर दिख जाता है। यहाँ पर लिखा रहा है अनुज यादव /98776। आपको उसके बगल में सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट प्रोफाइल, QR कोड, चेंज पासवर्ड, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, लॉगिन एक्टिविटी, ईमेल्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। आप इस पे जाओगे, इस पे जाने के बाद इस पे ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा है अकाउंट प्राइवेसी, एक्टिविटी स्टेटस, स्टोरी शेयरिंग, कमेंट्स, फोटो ऑफ यू, ऐड ऑटोमेटिकली, ऐड मैनुअली, अकाउंट डाटा, टू फैक्टर ऑटोनाइजेशन, डाटा डाउनलोड, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हेल्प, मेंटेनेंस, ऑल मेंटेनेंस फ्रॉम एवरीवन, पीपल यू फॉलो, नो वन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमको देखना है हमने किस किस को रिक्वेस्ट भेज रखी है, और किस किस ने अभी तक हमारी इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे जाना है। नीचे जाने का यहाँ पे लिखा रहा है अलाउ रिक्वेस्ट। अलाउ रिक्वेस्ट को तो आप समझ गए, आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद हम इस पर जाएंगे अकाउंट डाटा, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसका ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा है अकाउंट इन्फॉर्म, डाटा जॉइन, अकाउंट प्राइवेसी चेंज, व्यू ऑल, पासवर्ड चेंज। तो यहाँ पे इसका कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको नीचे स्वीप अप करना है। नीचे स्वीप अप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिक्वेस्ट का। हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा रिक्वेस्ट का।
ये देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा रहा है कनेक्शन, कनेक्शन के नीचे यहाँ पे लिखा रहा है करंट फॉलो रिक्वेस्ट। अब इस पर आप क्लिक करोगे व्यू ऑल पे, व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सारा बायोडाटा आ जाएगा कि आपने किस किस को रिक्वेस्ट भेजी है। तो दोस्तों ये देखो करंट फॉलो रिक्वेस्ट मैंने भेज रखी है, जिस जिसको भेज रखी है यहाँ पर उनके सारे नेम शो हो रहे हैं। तो पता नहीं मैंने किस किस को भेज रखी है और किस किस को मैंने पहले भेजी थी, तो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई हैं। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपने किस किस को इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजी है और कब भेजी है। व्यू मोर पर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे सारी ओपन हो जाती हैं। दोस्तों इतने लोगों को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है और मुझे पता भी नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता लगा सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा।